है कि इस देश को ये गठबंधन की राजनीति और तीसरे मोर्चे की संभावित राजनीति कहां लेके जाएगी? क्या ये राजनीति इस देश के हित में है? क्या तीसरा मोर्चा इस देश का फायदा करेगा या नुकसान करेगा? अब तक तो जितने भी तीसरे मोर्चे बने इन सब ने इस देश का नुकसान ही किया है, क्योंकि कोई राष्ट्रीय प्रभाव या राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय नहीं कर सके। मुलायम सिंह दोबारा तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। देश के कई ऐसे लोग जो कांग्रेस के जाने के बाद बीजेपी को आने के बजाय तीसरे मोर्चे के विकल्प पर विचार कर रही है। ऐसे में क्या ये देश के हित में है? क्या कहना है आपका? आप इस विषय पर कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। आइए, आपके कॉल और प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते मुद्दे पर। देश में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में कई बार तीसरा मोर्चा बना और टूटा है, मगर मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की राग अलापना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी इस पर भड़की हुई है। मुलायम कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक किसी भी एक दल को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, लिहाजा तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। अभी तक कांग्रेस के संकट मोचक बने मुलायम शायद कांग्रेस से अलग रास्ते की तलाश कर रहे हैं। इसी तरह यूपीए के तकरीबन हर फैसले के साथ रहने वाली एनसीपी को भी इसकी जरूरत महसूस हो रही है। उधर जेडीएस ने भी मुलायम के सुर में सुर मिलाया है। सीपीआई भी सकारात्मक रुख दिखा रही है। लगता है इन दलों को इस बात का आभास हो रहा है कि यूपीए सरकार कभी भी गिर सकती है और कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। तीसरे मोर्चे के पिछले संस्करणों को देखें तो ये विशुद्ध स्वार्थ की गठजोड़ की राजनीति रही है। मुलायम की साख सिर्फ यूपी में है और जीते भी यूपी में ही है, लेकिन तीसरे मोर्चे की हवा वो महाराष्ट्र के सांगली में दे रहे हैं। जहां वो एक सीट भी जीत ले तो बड़ी बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में तीसरे मोर्चे का मतलब है शरद पवार की सियासत में पैनापन लाना। तीसरे मोर्चे की दस्तक, बीजू जनता दल की पहल और शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने 14वीं लोकसभा चुनाव से पहले इसके संकेत दिए थे, ताकि सत्ता के लिए जीत से पहले और सत्ता भोगने के लिए जीत के बाद के गठबंधन में खासा बदलाव तय किए जा सके। क्या ये गठजोड़ भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के दौर में देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसमें सत्ता से जुड़कर मलाई खाने की जो परंपरा राजनीतिक दलों की बन पड़ी है, उसमें सरकार चलाने की कांग्रेस और बीजेपी की अपनी सोच टिकती कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर है सरकार देश में होनी चाहिए जिसकी नजर में आम आदमी हो, हर धर्म प्रांत का व्यक्ति हो, देश की अर्थव्यवस्था बाजार पर नहीं खुद पर निर्भर हो, आतंकवाद के जरिए बढ़ते समाज को बांधा जा सके, पड़ोसी देश आंखें ना तरेरे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, यानी देश में कहीं लोकतांत्रिक सरकार है इसका एहसास देश को हो। मगर अब तक के तीसरे मोर्चे की सरकार के इतिहास को देखा जाए तो हर बार ये सारे मुद्दे इससे काफी दूर रहे हैं। मुश्किलों में मुहाने पर खड़े देश को लेकर कोई सहमति तीसरे मोर्चे पर बन पाए, यही सबसे बड़ा संकट देश में तीसरे मोर्चे को लेकर हमेशा से खड़ा होता रहा है। जाहिर है ये समझ देश चलाने के लिए होगी, तो सौदेबाजी की राजनीति कर रहे अपने वोट बैंक को सत्ता से मलाई दिलाने की क्षेत्रीय राजनीति बंद हो जाएगी। जब जब तीसरे मोर्चे की गठन की हवा बही, कुर्सी की लड़ाई में तीसरा मोर्चा बनते बनते बनाने से पहले ही बिखर गया। बाधा हर बार यही रही कि इस मोर्चे का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुलायम सिंह का प्रयास हमेशा ही रहता है कि तीसरा मोर्चा बने और मुलायम इस मोर्चे के सरकार में प्रधानमंत्री बने। मोर्चे में शामिल होने वाली पार्टी के मुखिया इस पद को हासिल करना चाहता है और इसी में मोर्चा नहीं बन पाता है, पर स्वार्थ से दूर होना पार्टियों के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसी बात होगी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तीसरे मोर्चे की राजनीति देश के लिए सही है? अब आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें, अपनी बात को रखिए। अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी सोशल प्रतिक्रिया इंटरनेट के द्वारा देना चाहते हैं तो www.sudarshannews.com पर जाके भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं, लेते आज की पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी। ये जो तीसरे मोर्चे की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये
महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनके लिए ना देश ना जनता और ना इंसानियत बड़ी मायने रखती है। महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। ये जो लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोग होते हैं, हेलो, बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, स्काइप का आईडी हमारा स्क्रीन पर चल रहा है, आप घर बैठे या कहीं पर भी अपने मोबाइल से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगले कॉल, नमस्कार सर, बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, तीसरे मोर्चे का मतलब है प्रधानमंत्री की हसरत लिए लोगों का समूह जो अपने अपने स्वार्थों के लिए एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने हित के लिए सरकार का गठन करे, जिनका एक ही मकसद होगा एक परिवर्तन की लहर को सांप्रदायिक रंग देकर मलखान सिंह वीरप्पन जैसे योजनाकारों के पद चिन्हों पर देश को चलाना है, जो कैश के बल पर गरीबों के दिल पर बरसों राज करते रहे। उनके पास भी लाडली योजना थी, जब वो एक दुल्हन का हार दूसरी दुल्हन के गले में डालते थे, सैनिक अर्ध सैनिक पुलिस प्रशासन उन्हें जंगलों में ढूंढता रहा, लेकिन वो गरीबों के घर पे चैन से सोता रहा। आज देश को मोर्चे की नहीं मोदी जैसी सोच की जरूरत है, जो पेट नहीं हाथ मजबूत करे, जिससे देश का किसान खड़ा हो, जवान खड़ा हो। आज समाज तो क्या साधु संतों तक की सोच बदली है, देश विदेश की सोच बदली है, कुंभ से परिवर्तन की आशा जगी तो है, दुश्मन को गोली लगी तो है। नमस्कार, धन्यवाद। एक अलग नारा इन्होंने दिया है कि मोर्चा या मोदी, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर, नमस्कार सर, हम जाकिर सुनीता पांडे बोल रहे हैं। हाँ, तीसरे मोर्चे की सरकार 1977 में, 1989 में और 1996 में बनी थी। 1996 में तीन प्रधानमंत्री बने थे, इससे देश का विकास रुक गया था। और तीसरे मोर्चे की सरकार जो है वो क्षेत्रवाद व जातिवाद और भाषा की राजनीति करती है, तो इनका इनके विषय में जनता को सोचना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रतिक्रिया है, और अब तक के इतिहास में जब भी थर्ड फ्रंट बना, उस फ्रंट ने देश हित में काम करने के बजाय उन व्यक्तियों के लिए काम किया जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना सपना पूरा करने के लिए, खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ का सपना, देश के नंबर एक चेयर पर बैठने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री बने। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस को दूर करने के लिए थर्ड फ्रंट बनाया जाए, कई बार ये कहा जाता है कि जातिवादी शक्तियां अर्थात बीजेपी को, कम्युनल पार्टी कहकर उसको दूर करने के लिए थर्ड फ्रंट बने। बीजेपी कभी समर्थन देती है तो कभी कांग्रेस देती है, लेकिन यह समर्थन देश के लिए नहीं होता, यह गठजोड़ तोड़ मड़ोड़ कर बनाया जाता है केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये बारी दोबारा आने जा रही है, क्या यह देश हित में है? फेसबुक पर अभी कई प्रतिक्रिया आने लगी है और हम उसको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, हम इससे जुड़े हुए कुछ कार्टून भी आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें ये राजनीति कैसे कैसे कब कब कहां पर खेली गई और उसका अंतिम तहा क्या खेल हुआ, ये आप देख रहे। थर्ड फ्रंट का ये नारा कई बार देश में उठता है, लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए ये कभी भी आगे नहीं जाता है। कॉलर के पास चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो तीसरे मोर्चे का प्रयोग है वो अभी तक सैद्धांतिक आधार पर सफल सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जितने घटक दल हैं ये एक तरीके के राजनीतिक विघटन के प्रतीक प्रतीत होते हैं, और दो बड़े मुख्य धारा के दलों के साथ कभी न कभी रह चुके हैं, और उसके बाद वो निश्चित समय नहीं व्यतीत कर पाए हैं, पुनः विघटित हुए हैं, तो एक तरीके से ये विघटन की राजनीति के प्रतीक बने हैं। इस दृष्टि से इसको सोचें। मैं हेमंत पंत उन्नाव से बोल रहा हूँ। धन्यवाद, और बहुत अच्छी बात आपने कही। विघटन की अगर बात करें तो इस देश में जनता दल नाम का एक दल हुआ था और उसके पहले एक जनता पार्टी नाम की पार्टी, ये दोनों के इतने टुकड़े हो गए कि उन टुकड़ों की संख्या गिनना भी मुश्किल हो गया, इतने टुकड़े हुए, और वो सारे टुकड़े अब भी राजनीति में विभिन्न पार्टियों के प्रादेशिक नामों के साथ मौजूद हैं। ये दोबारा हो सकता है, ऐसे दोबारा झुंड बनाकर कई लोग निकले हुए हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने,
देश के लिए कोई सपना नहीं है, सपना है केवल एक सरकार बनाने का और उस सरकार में अपने अपने औहदे से औकात से ज्यादा का पद पाने का। क्या किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के दल की आकांक्षा महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इस लोकतंत्र का उपयोग होगा या इस देश के 125 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षा सपने और इच्छा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र का उपयोग होगा, आपको तय करना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हमारे पास कारण है, हम आपको क्यों ऐसा पूछ रहे हैं ये कारण यहाँ दिखाते हैं। निजी हित साधने के लिए तीसरे मोर्चे की कवायद। तीसरा मोर्चा जब भी बना इसके नेताओं के निजी हित हमेशा आड़े आए, चाहे वो पद पाने की लालसा हो या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात। यूपीए सरकार की नाकामी से बचना चाहते हैं थर्ड फ्रंट की बात करने वाले जो दल यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो ही तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। जनता में सरकार के खिलाफ असंतोष है, इस नाकामी के लिए जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है उतनी ही उसकी सहयोगी पार्टियां। राष्ट्रीय दलों को डराने का जरिया तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे में जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इससे इन दलों के क्षेत्रीय हित और वोट बैंक की राजनीति मजबूत होती है। कोई तीसरे मोर्चे की बात भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि की काट के रूप में करता है तो कोई कांग्रेस से जनता की नाराजगी को भुनाना चाहता है। चुनाव के वक्त जनता को रिझाने का जरिया तीसरे मोर्चे की बात कहना। जब जनता राष्ट्रीय दलों से नाराज होती है तो ऐसे में क्षेत्रीय दल जनता को रिझाने के लिए तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देना। तीसरे मोर्चे के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते, इससे देश की आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। ये कारण है जिन कारणों से हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि देश को ये जोड़ तोड़ की राजनीति, देश में तीसरे मोर्चे की आहट, क्या ये देश हित में है? और अब तक के प्रत्येक कॉलर ने इस बात पर मुहर लगाई कि ये देश हित में नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया में अब तक हजारों प्रतिक्रिया आई है, इंटरनेट पर, फेसबुक पर जो हमारा सोशल पेज है www.sudarshannews.com/sudarshannews, हमारा ट्विटर है, ट्विटर जो हमारा है वो सुदर्शन न्यूज नाम से है, साथ साथ में हमारा सोशल मीडिया के अन्य साइटों पर भी सुदर्शन न्यूज के इस नेटवर्क पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ जी सर, ये जो आजकल जो क्षेत्रीयता का बढ़ावा जो दे रहे हैं ये सर, ये हमारे जो लोकतंत्र के लिए ना बड़े खतरनाक है। ये संविधान में संशोधन करके ना ये क्षेत्रीय पार्टियों को किस तरह से और जो नई स्टेट्स को जो जो हमारे स्टेट्स हैं इनको थोड़ा सा ना इनकी पावर को कम करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्षेत्रीय दल की राजनीति फिलहाल हमारे राष्ट्रीय राजनीति पर हावी है और ये राष्ट्रीय राजनीति पर इतनी हावी है कि देश की अर्थनीति ही नहीं देश की विदेश नीति भी इससे प्रभावित है। हमारी क्षेत्रीय राजनीति बजट पर प्रभाव करती है, हमारी क्षेत्रीय राजनीति देश के प्रधानमंत्री पर प्रभाव करती है, हमारी क्षेत्रीय राजनीति देश के मंत्रिमंडल के साइज आकार और मंत्रिमंडल के विभागों पर असर करती है और विदेश नीति तक को भी परिणाम करती है। क्या क्षेत्रीय राजनीति इतनी हावी हो गई है? ये इसलिए हो गई है क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो अपने बलबूते अकेली एक पार्टी नहीं बना पाती, हर गठजोड़ के जोड़ में उसको राज्यों की मदद, खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मदद लेनी पड़ती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और कॉलर के पास जाने के पहले हम आपको परिणाम भी दिखाएंगे कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही होता रहा। देश को स्थायी नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। तीसरे मोर्चे के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। जब भी इन तीसरे मोर्चे के नेताओं के हित आपस में टकराए तभी इन्होंने सरकार को कमजोर करने की कोशिश की। देश की सरकारें देश हित में काम नहीं कर पाएंगी, चाहे वो तीसरे मोर्चे की सरकारें हों या फिर गठबंधन की सरकारें। हमेशा इन क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्रीय हितों के लिए सरकारों को कमजोर किया जिससे देश हित के कानून बनने में अड़चन आई। देश में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। जब देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तब विश्व बैंक से अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर्ज लिया गया। इस कर्ज को एनडीए सरकार ने काफी हद तक कम किया लेकिन उसकी मार आज भी देश सह रहा है। देश का विकास रुक जाएगा। ये दल राष्ट्रीय नीति बनाने का विरोध करते हैं। ये दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नीतियां बनाते हैं। इससे देश को काफी नुकसान होता है जिसका सीधा सीधा असर देश के विकास पर पड़ता है। देशवासियों में असंतोष बढ़ जाएगा। जिस तरह से यूपीए सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है
इस नाराजगी की वजह जितनी कांग्रेस है उतनी ही उसकी सहयोगी पार्टियां। अगर ये सहयोगी पार्टियां तीसरे मोर्चे की बात करेंगी तो इससे जनता में नाराजगी और बढ़ सकती है।